पूरे दुनिया में चीन की घेराबंदी चालू है। कोरोना वायरस के फैलाव की जिम्मेदारी और उसके बाद होने वाली जांच की जवाबदेही से यह अपने आप को मसल फ्लेक्सिंग करके बचाना चाहता है। वो दिन लद गए जब चाइनीज प्रोपेगेंडा वीडियो से कम्युनिस्ट रिजिम अपने आप को पूरी दुनिया में ताकतवर साबित करती रही है। उसका यह हथियार अब मजाक का विषय हो गया है। चीन के हुवेई से तिब्बत के पठारों तक 5000 किलोमीटर तक की यात्रा चीनी सैनिक युद्ध के हेलमेट पहनकर सिविलियन विमानों में बोर्डिंग पास लेकर आम यात्रियों की तरह यात्रा करते हैं। हद हो गई दुनिया को बकलोल समझने की। सावधान हो जाओ चीन, भले ही धोखे से तुमने निहत्थे भारतीय सैनिकों पर कील कांटे लगे मध्ययुगीन हथियारों से हमला किया हो, पर जवाब तुम्हें दशकों तक याद रहेगा। 15,000 फुट पर ब्लू फिल्में देखते और सिगरेट पीते तुम्हारे सैनिक कुत्तों की तरह हाँफते हैं, यह हमने परख लिया है। हमारे सैनिक 21,000 फुट पर सियाचिन में प्रशिक्षित हैं, इनके लिए तो 15,000 फुट हलवा है। चीन की सेना दुनिया की इकलौती ऐसी सेना है जो युद्ध के वातावरण में युद्धाभ्यास करती है। इससे पता चलता है इसमें युद्ध लड़ने का आत्मविश्वास है ही नहीं और अपने हथियारों पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। श्रीमान जिनपिंग, मैच के दिन नेट प्रैक्टिस नहीं होती है। चीन ने अपनी सेना को लद्दाख के फॉरवर्ड पोजीशन में लाकर भारत को भड़काकर भारी भूल कर दी है। खासकर गलवान घाटी में पूरी की पूरी चीनी सेना एक संकरे से दर्रे में खड़ी है। अपने ट्रुप को आगे बढ़ाने और रास्ते को चौड़ा करने के लिए चीनी सेना गलवान नदी को ब्लॉक कर भारी मशीनों से आर्टिलरी और टैंकों के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। घाटी के बाहर मुहाने पर भारतीय सेना पूरी ताकत के साथ चीनी सेना को रोकने के लिए खड़ी है। श्योक और गलवान नदी के संगम पर एक पुल की कमी थी, वह भी बनकर तैयार है। भारतीय सेना के ठीक पीछे DSDBO रोड गुजरती है जिससे 24 घंटे सप्लाई सुनिश्चित है। भारतीय सेना की इतनी स्ट्रांग पोजीशन को देखकर चीनी सेना के होश फाखता है। दर्रे में फंसी चीनी सेना जो ही बाहर आएगी भारतीय आर्टिलरी का आसान शिकार हो जाएगी। चीनी अगर समझौता करके वापस अपने पोस्ट पर लौटेंगे, जिसके लिए भारतीय सेना और सरकार दबाव बना रही है, तो यह चीन की हार के रूप में देखा जाएगा। निश्चित रूप से इसका असर साउथ चाइना सी में खड़े अमेरिकी विमान वाहक पोतों ताइवान वियतनाम पर पड़ेगा। ये सारे देश चीन पर दबाव बनाएंगे। चीन के पास इससे निपटने का एक ही हल है, गलवान घाटी के मुहाने पर भारतीय सेना पर एयर स्ट्राइक। इसके लिए उसे तिब्बत के पठारों पर स्थित 4 एयरबेस से उड़ान भरनी पड़ेगी। 15,000 फीट पर स्थित इन एयरबेस से कम एयर प्रेशर में काफ़ी कम मात्रा में पेलोड ले जाया जा सकता है। इसके उलट भारत के सारे एयरबेस प्लेन यानी मैदानी भागों में हैं, जो कि फुल कैपेसिटी के पेलोड लेकर उड़ान भर सकते हैं। चीन को यह स्थिति पता है, इसलिए वह कोई भी हवाई चालाकी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। गलवान वैली में चीन की स्थिति लगभग मलक्का स्टेट जैसी हो गई है, जिसके मुहाने पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। वहाँ भारत की नेवल कमांड जब चाहे चीनी एग्रेशन को रोकने के लिए मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकती है। चीन का व्यापार ठप पड़ जाएगा, कच्चे तेल की सप्लाई रुक जाएगी, चीन घुटनों पर आ जाएगा। लद्दाख में जो कुछ भी हो रहा है उसे आइसोलेशन में मत देखिए। लगभग उसी समय ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट होना, अमेरिका के 3 विमान वाहक बेड़े का आक्रामक रूप से चीन को घेर लेना, ताइवान का आक्रामक रुख, जापान द्वारा पैट्रियट मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट करना, दक्षिण कोरिया द्वारा उत्तर कोरिया के खतरे के मद्देनज़र अपनी सीमा पर थर्ड मिसाइल सिस्टम तैनात करना और फिलीपींस द्वारा अमेरिकी सैन्य अड्डे को देश से निकालने पर रोक लगाना, यह सारे ऐसे कदम हैं जो चीन की हरकतों से आज ही जाए देशों की तरफ से चीन को सुधारने का पहला चरण है। तिब्बत और सिकियांग पर चीनी रिजिम का नजायज कब्जा हटाना दुनिया की ताकतों का अगला लक्ष्य है। इसका अंत होगा चीन में जबरन काबिज CCP की नाजायज सरकार के खात्मे से, जो कि अपनी ही जनता पर अत्याचार के नए कीर्तिमान बना रही है।